हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड साउदर्न रीजन में जो वैकेंसीज निकली है उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या यहाँ पर लास्ट डेट है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टर्न का कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को वॉच करके फ्री में यहाँ से ग्रुप सी और डी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इंग्लिश स्टर्नो का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सभी की सभी वीडियोज़ अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको स्टेनो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में जो वैकेंसीज निकली है, ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पर जो इसकी फॉर्म जो है यह ऑनलाइन है और आप इसको फिल कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 344 और यहाँ पर आपकी एज रहेगी 18 to 24 प्लस एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन नॉर्मली आपका वही है जो ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, इस टाइप में आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। आपको अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट है तो आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी लास्ट डेट भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है हमारी लास्ट डेट है 21 सितंबर, यानी किसी मंथ के 21 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं टिल 5 PM। अब यहाँ पर जो पोस्ट निकली है उसको किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यहाँ पर जो ट्रेड अप्रेंटिस की जॉब है, ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पर 150 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन विद ITI, यानी कि आपके 10th के साथ आपके ITI होने चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। ये सब चीज़ें हम नोटिफिकेशन में जानेंगे। और यहाँ पर जो सेकंड पोस्ट है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, 194 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो आपकी एज है वो एज कैलकुलेट की जाएगी 31 अगस्त तक, आपकी जो एज रहेगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसका जो नोटिफिकेशन है, हम नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका जो नोटिफिकेशन है रीड कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां से आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसका नोटिफिकेशन जरूर से ज़रूर रीड करिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो उस फॉर्म से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं ये साउथ के लिए निकली हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कौन कौन से स्टेट हैं हम वो सभी जानते हैं। क्या यहाँ पर उन स्टेट के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो जिस ट्रेड के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी यहाँ पर पोस्ट हैं, तो अब ये देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पर है स्टेट आपका तमिलनाडु और पांडिचेरी, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, एंड अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और अप्रेंटिस मैकेनिस्ट, ये यहाँ पर 5 पोस्ट निकली हैं। इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 50 हैं, 50 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका, कर्नाटका में आपकी सेम यहाँ पर फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, अप्रेंटिस मैकेनिस्ट की, यहाँ पर टोटल पोस्ट 25 है। केरला में फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और अप्रेंटिस मैकेनिस्ट, टोटल 25 यहाँ पर वैकेंसी है। तेलंगाना यहाँ पर फिटर इलेक्ट, ये सभी के सभी जो सेम हैं आपकी जितनी भी ये पोस्ट हैं, ये हर एक आपके जो मैं आपको स्टेट बताऊंगी उन सभी में ये कॉमन है। ये है आपकी तमिलनाडु एंड पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर अगेन यहाँ पर तमिलनाडु एंड पांडिचेरी का दिया गया है। लेकिन ये जो इससे ऊपर वाली पोस्ट है जितनी भी, ये तो सभी थी ट्रेड की जो वैकेंसीज है वो। अब जो वैकेंसीज है तमिलनाडु, जहाँ से स्टार्ट होता है तमिलनाडु एंड पांडिचेरी, ये टेक्नीशियन की हैं। तो यहाँ पर टेक्नीशियन की है, यहाँ पर किस किस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, तो वो है मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और आपका सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें भी सेम सभी की सभी पोस्ट रहेंगी
और वो जो स्टेट रहेंगे आपके तमिलनाडु एंड पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी में सेम है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अकाउंटेंट की, इसमें तमिलनाडु में निकली है, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी कि इन सभी स्टेट्स में भी सेम अकाउंटेंट की वैकेंसीज निकली हैं। इस तरीके से ये वैकेंसीज हैं और ये 3-4-4 वैकेंसी को इस तरीके से डिवाइड किया गया है स्टेट्स के अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो आपका कोड्स दिए गए हैं ये फॉर्म ऑनलाइन है और यहाँ पर हर एक ट्रेड से रिलेटेड कोड भी यहाँ पर मेंशन है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप सेल्फ इस फॉर्म को फिल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो आप इसका नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लीजिए और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।